जैसा कि पिछले पिछला वीडियो में हम लोग ये चैप्टर 3 हिस्ट्री का शुरू किए थे, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब तो न्यू सिलेबस आ गया है और अब यही आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है। हिस्ट्री में 3 चैप्टर ही पढ़ना है, पहले 4 पढ़ना था, अब 3 पढ़ना है। 3 में आपका हो गया राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा था नेशनलिज्म इन इंडिया, और तीसरा द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर ही पढ़ना है और इस तरह से ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इस 3 चैप्टर का ही बहुत अच्छे से तैयारी करना है, एक एक बात को, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है, तब आपको अच्छा स्कोर आप कर सकेंगे। ठीक है, तो ये पिछला वीडियो हमने ये इस टॉपिक पर डिस्कस किया था, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। उसमें हमने बताया था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और आज इसी टॉपिक को थोड़ा सा और ब्रीफ कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। जब इस टॉपिक की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मॉडर्न पीरियड की बात है, मॉडर्न पीरियड में ही ग्लोबलाइजेशन हुआ है। आप अगर किसी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से पूछोगे कि क्या इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो हम बोलेगा कि 1991 के बाद इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सवाल वो नहीं है कि इंडिया में कब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, मॉडर्न पीरियड में ग्लोबलाइजेशन 1991 में हुआ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्लोबलाइजेशन पहले नहीं होता था। मॉडर्न वर्ल्ड के शुरुआत होने के पहले से भी वर्ल्ड ग्लोबलाइज था, कई तरीके से ग्लोबलाइज था, और बहुत सारे उसके एग्जाम्पल अभी हम लोग देखने वाले हैं, एक एक करके सारे चीज के बारे में जानने वाले हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड है ना, जैसे कि ये टॉपिक है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड शुरू होने के पहले का टाइम है ना। प्री मॉडर्न मतलब कि मॉडर्न जो पीरियड जहां से हम मानते हैं उसके शुरू होने के पहले के समय में क्या ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, तो कैसे चल रहा था, कैसे हम समझाएंगे कि हाँ किस तरह से, क्या बोलेंगे कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन उस समय ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन व्हाट, व्हेन एंड हाउ, कब हुआ, कब होता था, कैसे और कहाँ। तो हमारा जो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में एक बहुत पुराना इतिहास है, लॉन्ग हिस्ट्री है, किसका, ट्रेड का। आपको याद है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जो आज से 4,500 वर्ष पहले का है, उस समय भी लोग व्यापार करते थे और दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो वो ट्रेड करते थे। तो ट्रेड करना भी एक ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है, लोग माइग्रेट करते थे एक जगह से दूसरे जगह, माइग्रेशन इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, मूवमेंट ऑफ कैपिटल होता था, पूंजियों का भी आवाजाही होती थी। यानी कि ये सब वेव है, जो वेव पूरे दुनिया में फैलता था वो ट्रेड के रूप में होता था, माइग्रेशन के रूप में होता था, और पूंजी का जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता था। और ये सारा चीज कैसे होता था, हाउ डिड ऑल दिस हैपन, ठीक है। फ्रॉम एनिशियंट टाइम ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, पेरिस्ट एंड पिलग्रिम्स ट्रेवल। पहला जो टॉपिक है ट्रेड का, ट्रेड में लोग व्यापार करने के लिए जाते थे, तो सिर्फ व्यापारी ही नहीं जाते थे, ट्रेवलर्स लोग भी होते थे। ट्रेवलर्स का काम ही होता है पूरे दुनिया का भ्रमण करना। तो ट्रेवलर्स जो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तो वो अकेले नहीं जाते थे, वो अपने साथ अपना कल्चर, अपना फूड हैबिट, अपना लैंग्वेज, अपना रिलीजन, ये सारा कुछ लेके नए जगह पे जाते थे, और ये चीज वो अपना उन लोगों को दे देते थे जहां वो जाते थे, कुछ गुण वो वहां छोड़ के आते थे और वहां से कुछ लेके आते थे। तो इस तरह से उस समय भी ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस था, भले ही स्लो हो, धीरे धीरे हो, ट्रेडर्स ट्रेड उस समय भी होते थे, तो हो सकता है कि उस समय दो ही लोग, साल भर में दो ही लोग बाहर जाते हो व्यापार करने के लिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं जाते थे, जाते थे। तो फ्रॉम एनिशियंट टाइम ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, व्यापारी, प्रिस्ट, पुजारी,
जो एंड पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री लोग होते थे, ये ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरे जगह, और ये सारे लोग अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जगह पे जाते थे और अलग अलग अपने कल्चर का प्रचार प्रसार करते थे, अपने धर्म का, है ना, ये सारा अपना तीर्थ यात्रा करते थे, तो वहां से कुछ चीजें लेके आते थे, अपना कुछ चीज वहां ले जाके छोड़ते थे। तो इस तरह से वर्ल्ड उस समय भी ग्लोबलाइज था, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड शुरू होने के पहले। नॉलेज अपॉर्चुनिटीज एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और टू एस्केप पर्सिक्यूशन, नॉलेज का ट्रांसफर होता था एक जगह से दूसरे जगह, जो हमारे पास ज्ञान है हम कहीं दूसरे जगह जाते थे तो वहां पे नॉलेज कुछ हम वहां दे के आते थे जिस जगह जाते थे और कुछ वहां से लेकर आते। अवसर का भी आदान प्रदान होता था, अवसर जैसे कि मान लीजिए कि वास्को डी गामा इंडिया आया और उन्होंने अपने साथ कुछ सामान वहां से लेकर आया था पुर्तगाल से, और उसने स्पाइसेस का यहाँ पे खरीदना शुरू किया, तो अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ से क्रिएट हुआ कि इसने शायद वास्को डी गामा के वजह से मसालों की खेती बढ़ी होगी, अपॉर्चुनिटी बढ़ा। और जो ट्रेवलर्स लोग होते थे, टूरिस्ट वगैरह, ये स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए जाते थे, आध्यात्मिक जो रिक्वायरमेंट होती है कि आध्यात्मिक दर्शन वगैरह जो होता है, टूरिस्ट लोग इसके लिए जाते थे, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए। और तो इसके पर्सिक्यूशन मतलब कि अपना दायरा को बढ़ाने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते थे। दे कैरी गुड्स, वो अपने साथ क्या क्या लेके जाते थे, गुड्स मनी पैसा, वैल्यूज स्किल्स आइडियाज इन्वेंशंस जर्म्स डिजीज एंड फूड। जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो वो क्या साथ अपने साथ क्या ले जाते थे, मनी ले जाते थे, अपने यहाँ की करेंसी ले जाते थे, है ना, अपने विचार, अपना मूल्य, है ना, कि हम लोग जैसे कि ईमानदारी है, सच सच बोलना है, ये सब वैल्यू होता है, तो मनी लेके जाते थे, वैल्यू लेके जाते थे, स्किल्स जैसे कि बहुत सारा स्किल होता है सबके पास, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा स्किल होता है, तो वो स्किल का भी ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह होता था। आइडियाज जैसे विचार होते हैं, किसी चीज को हम किस तरह से देखते हैं, दूसरे लोग कैसे देखते हैं, दूसरे लोग कैसे सोचते हैं उसके बारे में, हमारा जैसे हम नया चीज देखते हैं, नए जगह जाते हैं, हमारा विचार उसके प्रति क्या होता है और उन लोगों का विचार हमारे प्रति क्या होता है, तो आइडियाज का भी ट्रांसफर होता था। इन्वेंशन मान लीजिए कि वहां पर कुछ इन्वेंशन हो गया दूसरे देशों में, तो वहां से वो सीख के यहाँ लाते थे, और जो बाहर से लोग यहाँ आते थे वो यहाँ से सीख के दूसरे जगह ले जाते थे, तो इन्वेंशन का भी ट्रांसफर होता था। जर्म्स का भी होता था, जर्म्स डिजीजेस जो जैसे कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट गए, अपने साथ कुछ जर्म्स वगैरह लेके चले गए जो वहां नहीं होता है, तो वहां वो जर्म हो जाएगा, और जो हमारे यहाँ नहीं है हम बाहर से लेके उसको यहाँ आ गए तो यहाँ भी वो जर्म का फैलाव विस्तार हो जाएगा। तो इस तरह से तो हम कह सकते हैं ना कि वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइज हो गया था, यानी कि एक जगह का जर्म दूसरे जगह भी आ रहा था, यहाँ का जर्म दूसरे जगह जा रहा था, तो ये कि ये आवाजाही लगी हुई थी। डिजीजेज बीमारी भी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तो डिजीजेज भी जैसे कि अभी कोरोना कैसे चाइना से पूरे वर्ल्ड में फैल गया, अभी तो मान लीजिए कहते हैं कि लोग बहुत एक जगह सब जगह इंटरकनेक्टेड है, पूरे दुनिया के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते आते हैं, तो अभी तो संभव है, लेकिन उस समय भी डिजीजेज फैलते थे। हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में आगे, एक रिंडर पेस्ट बीमारी जो पशुओं में फैलने वाली थी वो किस तरह से अफ्रीका में फैल गया था और बहुत सारे जानवर 90% कैटल जो है मर गए थे इस जर्म्स और डिजीजेज के वजह से। और जैसे फूड आइटम्स हैं, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमारे यहाँ नहीं होते थे, विदेशों में होते थे, और बहुत सारे फूड आइटम होते थे जो विदेश में नहीं होता था हमारे यहाँ होता था, तो ये फूड आइटम भी ट्रांसफर होते थे एक जगह से दूसरे जगह। तो इस तरह से
हम देख रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस उस समय भी था, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड शुरू होने के पहले भी, जब हमारा संचार माध्यम इतना विकसित नहीं था, हमारा कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, तभी वर्ल्ड ग्लोबलाइज था। ग्लोबलाइज कोई न्यू फेनोमेना नहीं था, ये बहुत एज ओल्ड इसका इतिहास है, बहुत पुराने समय से ये इस तरह की परंपरा चल रही थी। हाँ, ये अलग बात है कि उसका जो पेस है वो चेंज हुआ है, पहले वो बहुत स्लोली होता था, धीरे धीरे होता था, अब ये तो काफ़ी गति हो गया इसमें, काफ़ी स्पीड है, काफ़ी तेजी से होता है, मतलब कि ऐसे ऐसे फास्ट कम्युनिकेशन डेवलप हो गए हैं कि ऐसा लगता है नहीं कि हम कहीं बहुत दूर अमेरिका इंडिया सब लगता है कि एकदम आसपास हो गया है। और टेरेसेस, ये इसका प्रमाण भी है, सिर्फ हम ये कहीं सुनी बातें नहीं कह सुना रहे हैं, इसका प्रमाण भी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपने पढ़ा होगा है क्लास 6-7 में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी व्यापार करते थे मिस्र या मेसोपोटामिया के साथ, क्योंकि यहाँ जो कौड़ी यूज होती थी उस समय वो वहाँ पाया गया है, और वहाँ जो पैसे चलता था करेंसी वो यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया है, तो इसे पता चलता है कि उस टाइम में भी व्यापार होता था। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप इस टॉपिक को, यानी कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड के पहले भी हमारा जो था इस टॉपिक में, जरा सा एक चीज बता देते हैं और कि यहाँ पे हम जो फूड का बात कर रहे थे, तो आलू वगैरह जो है या स्पेगेटी नूडल्स वगैरह जो हम लोग खाते हैं वो यहाँ का नहीं है, वो चाइना वगैरह से आया है यहाँ, तो ये इस पर भी एक टॉपिक है आपके बुक में, आप जरा इसको पढ़ना, स्पेगेटी फूड, स्पेगेटी ट्रेवल टू इंडिया, तो वो नूडल्स वगैरह इंडिया कैसे आया और यहाँ के फूड आइटम बाहर कैसे गए, तो ये इसको एक बार फिर आप अपने बुक में एक बार जरूर पढ़िएगा इसको, ठीक है। तो हमको लगता है कि आप ये समझ गए होंगे टॉपिक कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड शुरू होने के पहले भी ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, और वो किस तरह से चल रहा था ये सारा चीज हमने बताने का प्रयास किया है, आप एक बार बुक देखोगे सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा स्टूडेंट ऑन द टॉपिक ऑफ सिल्क रूट, सिल्क रूट के बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से व्यापार, ज्ञान और संस्कृति उस रास्ते से एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड हो रहे थे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।